कट्टा तना रहेगा। दबदबा था दबदबा है बना रहेगा। तो कैसे अगर आपको भी कुछ इस टाइप की नियम वाली फ्लैग वीडियोस बनाना है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज मैं ऐसे वायरल कंटेंट के लिए अपलोड करता रहता हूँ। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड चलते अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। सो गाइस मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है, जिस नेम से आपको बनाना है उस नेम को पहले लिख लेना है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ पिक्सल लैब, यहाँ से अपना नाम मैंने क्रिएट कर लेता हूँ। एंड इसको जो न्यू टेक्स्ट है इसको करते हैं डिलीट एंड थ्री डॉट पर टैप करके यहाँ पर इमेज साइज को थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर प्लस का आइकन, यहाँ पर प्लस का आइकन पर टेक्स्ट पर टैप करना एंड यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। जिस नाम से आपको क्रिएट करना है वो वाला अपना नाम लिख देना, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इसको लाते हैं बीच में, ठीक है। बीच में लाने के बाद गैस इसको कर लेते हैं कुछ इस टाइप का बड़ा। इतना करने के बाद गैस अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इतना करना एंड यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है यहाँ पर सिंपली हमें टैप करना है एंड इसको थोड़ा सा आगे ले जाना, ठीक है। एंड ले जाओगे आगे तो यहाँ पर एक फॉन्ट ऑप्शन है, फॉन्ट ऑप्शन पर टैप करना एंड जैसे टैप करोगे यहाँ पर कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, बहुत सारे फॉन्ट आ जाएंगे। तो यहाँ से करना क्या गाइस, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा नीचे होगा तो यहाँ पर पोस्टर के नीचे है LUSRG, ठीक है। यहाँ पर इसको टैप करना एंड टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर एंड गाइस या तो आप ये वाला फॉन्ट यूज कर सकते हो एंड अगर आपको कोई अदर फॉन्ट अच्छा लगे तो यहाँ पर वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये वाला फॉन्ट यूज किया। अब यहाँ से क्या करना गाइस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो कलर है, ठीक है, यहाँ पर जो सकते हो वहाँ पर कलर है, कलर पर टैप करना एंड यहाँ पर ग्रेडिएंट लिखा है, ग्रेडिएंट लिखा है यहाँ पर टैप करना एंड इसे कर देते हैं पीला, ठीक है। पीला कर देना यानी येलो कर देना, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर प्लस कर देना एंड इसको कुछ इस टाइप से कर देना। करने के बाद गाइस यहाँ पर कर देना ओके। यहाँ पर देख सकते हो जो कि मेरा नाम था यहाँ पर हो चुका है। आप येलो कर लेना, येलो करने के बाद गाइस अब यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ पर टैप करना एंड फोर्थ वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर कलर पर टैप करना एंड यहाँ पर कलर पर जाना। कलर पर जाने के बाद इसको ब्लैक कर देना, फुल स्क्रीन ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो शेयर वाला ऑप्शन है यहाँ पर टैप करना एंड यहाँ पर टैप करने के बाद कस्टम पे टैप करके वेरी हाई करना एंड यहाँ कर देना सेव टू गैलरी, ठीक है। एंड गाइस मेरा जो कि नेम था यहाँ पर सेव हो चुका, ठीक है। एंड अब हम सबसे पहले चलते हैं गूगल पे, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं गूगल पे, गूगल पे सर्च करना है फ्लैग, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो फ्लैग व्यूअर नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो कि पहला वाला आ चुका है एंड इसी पर सबसे पहले टैप करते हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे टैप करते हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग आ चुके हैं तो हमें सबसे मतलब नहीं, यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है इस पर टैप करते हैं एंड इस पर जैसे टैप करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब गाइस यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमारा ऑप्शन है वेबसाइट एंड एक फाइल है, ठीक है। यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ तो फाइल ऑन कर देना एंड फाइल ऑन करने के बाद एक यहाँ आ जाएगा फाइल का ऑप्शन, इसी पर टैप कर देना एंड जैसे इस पर टैप करोगे गाइस ये चला जाएगा गैलरी में, ठीक है। वो वाला नाम सेलेक्ट करना एंड जैसे सेलेक्ट करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर देख जो थ्री डॉट है ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है एंड थ्री डॉट पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक विंड है एंड विंड कंट्रोल है, इसको ऑन कर देना है विंड एंड कंट्रोल को एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 270 डिग्री है तो इसको कर देना है 295 लगभग के, ठीक है। यहाँ पर मैंने 295 किया एंड इसको मीटर करना क्या 11 कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने 11 कर दिया एंड 11 करने के बाद गाइस यहाँ पर जो इसका सेंसिटिविटी है यहाँ पर क्लासिक पर टैप करना एंड यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट करना एंड सेलेक्ट करने के बाद गाइस इसको सबसे साइड में कर देना यानी वाइट कर देना, ठीक है। वाइट करना एंड वाइट करने के बाद गाइस फिर से आ जाना लगे, ठीक है। इतना कर देना एंड इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसी पर टैप करना एंड इसी पर टैप करने के बाद गाइस इसको दोनों हाथ से करोगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ से उठा के रख लोगे, ठीक है। दोनों हाथ से करोगे तभी ये अच्छा बनेगा, ठीक है। एंड अच्छा बनने के बाद गाइस अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो वाला ये वाला वीडियो इसको 10-15 सेकेंड के लिए वीडियो बना ले रहे, ठीक है। इसका 10-15 सेकंड के लिए ऐसे ही वीडियो आराम से बना लीजिएगा ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये डाउनलोड नहीं होता इसलिए इसे स्क्रीनशॉट से बनाना पड़ता, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना बना लिया एंड बनाने के बाद मैंने पहले से बना के रखा है एंड बनाने के बाद गाइस इसको कर देते हैं कट, ठीक है। यहाँ पर कट करने के बाद इसको कर देते हैं सब साफ, ठीक है। यहाँ पर इतना हो चुका एंड इतना करने के बाद गाइस फिर से हम चलते हैं VN ऐप में, ठीक है। VN ऐप में टैप करते हैं एंड VN टैप में करने के बाद गाइस अब यहाँ से कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा एंड इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर जो नीचे प्लस का आइकन है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्लस का आइकन है, यहाँ पर टैप करते हैं एंड पर न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है एंड यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ जो कि
एंड गैस मैं यहाँ से एक फ़ोटो लेने वाला हूँ। एंड गैस यहाँ पर जो भी मैंने मटेरियल यूज कर रहा हूँ वहाँ पर सब आपको टेलीग्राम चैनल या फिर इनबॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना। एंड गैस अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबका PNG फोटो सब वहीं पर अपलोड कर देता हूँ, इसलिए आपको ईजिली डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो लेता हूँ एंड यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद गैस आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो पहले सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल, यहाँ पर टाइप करना एंड यहाँ पर 9.16 कर देना। एंड 16 करने के बाद गैस इसको कुछ इस टाइप का थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देना, ठीक है, हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो इसका लास्ट बेकार पार्ट है इसको कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद गैस इसको टाइमिंग थोड़ा सा 7 सेकंड का कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 7-8 सेकंड का, आपको जितने सेकंड का बनाना हो यहाँ पर कर लेना। एंड इसको मैं 7 सेकंड का बना लेता हूँ। एंड 7 सेकंड करने के बाद गैस अब यहाँ पर जो प्लस का आइकन है, देखिए यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा है गैलरी का, यहाँ पर टाइप करते हैं। एंड यहाँ पर टाइप करने के बाद गैस वीडियो में जाते हैं। एंड अभी जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था 10-15 सेकंड का, वो वाला मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ। एंड लेने के बाद गाइस अब यहाँ पर करना क्या, गाइस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। एंड बड़ा करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर मास्क का, ठीक है। यहाँ पर मास्क पर टाइप करना है। एंड मास्क पर जैसे टाइप करोगे यहाँ पर थर्ड वाला मिरर ऑप्शन पर टाइप करना है एंड कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो ये वाला करोगे तो यहाँ से छोटा बड़ा कर देना। एंड छोटा बड़ा करने के बाद गाइस यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर देना सही, ठीक है। यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करोगे सही कर देना। एंड इसी पर फिर से टैप करना। एंड टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा क्रोमा, ठीक है। यहाँ पर क्रोमा पर टैप करना एंड यहाँ पर प्लस आइकन पर छोड़ देना, ठीक है। प्लस के आइकन पर छोड़ने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो इसको ऐसे ही रहने देना एंड इसको कर देना सही। सही कर देना। एंड सही करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं चला के दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप का बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसी पर फिर से टैप करना है। इसको टैप करने के बाद गाइस इस पर रख लेना है, ठीक है। एंड जो इसका हाथ है, हाथ पे ऐसे रख लेना ताकि ये बाहर ना आए। एक फ़ोटो यही वाला जो मैंने पहले से फ़ोटो लिया इसको मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, तो मैं आपको बता दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या प्लस के आइकन पर जाना एंड यहाँ पर फोटो जाना। फोटो पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक बैकग्राउंड हटा चुका हूँ इस फोटो का, तो यहाँ पर वो वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर वो वाला फ़ोटो लेने के बाद गाइस इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पर साइज़ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से करिएगा ताकि ख़राब ना हो, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से करिएगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं, आराम से करिएगा गाइस। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैंने एकदम क्लियरली इसको सेव कर दिया एंड इसको लास्ट तक बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मेरा वीडियो था एकदम बेस्ट बन गया है और यहाँ पर कोई बेकार भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर जो सेव वाला ऑप्शन है यानी एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर टैप करना एंड 10-80 कर देना। 10-80 करने के बाद इसको कर लेना एक्सपोर्ट, इजीली ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक ही काम करना गाइस, इसमें इफेक्ट लगाना, ठीक है। अब यहाँ से वो लगेगा कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कर देना कट यानी इसको डन कर देना। ये हो चुका है एंड इसको करने के बाद यहाँ से करते हैं डन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया डन। डन करने के बाद इसको कर दिया कट, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ डाटा ऑन। डाटा करना ऑन करने के बाद यहाँ पर जाते हैं गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक वेबसाइट का नाम है ओम एडिट, ठीक है। ओम एडिट सर्च करना है एंड जैसा सर्च करोगे ये पहला वेबसाइट आएगा, इस पर टाइप करना एंड ना थोड़ा सा नीचे जाना स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कैप का, ठीक है। यहाँ पर कैप का टेम्पलेट है, यहाँ पर टाइप करना एंड यहाँ पर से थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर देना एंड इसको थोड़ा सा स्क्रॉल जाओगे तो यहाँ पर एक टेम्पलेट मिल जाएगा यानी यूज टेम्पलेट लिखा है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे इस पर टाइप करोगे पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इतना इंटरफेस आने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो यूज टेम्पलेट है यहाँ पर फिर से टाइप करना है एंड जैसे फिर से टाइप करोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का गैलरी वाला सिस्टम खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा गाइस यहाँ पर जिस वीडियो को लाना है यहाँ पर वो वाला वीडियो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में प्रीव्यू डाल देना एंड यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट लेगा एंड इफेक्ट लेने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा यानी हमारा वीडियो जो था यहाँ पर बन चुका। एंड यहाँ पर एक चीज़ गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो एक्सपोर्ट हो रहा है यानी यहाँ पर अप्लाई स्मूथ न्यू मोशन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो 3% हुआ है यहाँ पर आपको 100% पहले करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर 100% हो जाए। 100% करने के बाद गाइस तब यहाँ से कर देना एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट है, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर टाइप करना। जब ये पूरा 100% हो जाएगा तो एक्सपोर्ट पर टाइप करना। एक्सपोर्ट पर टाइप करोगे तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट विथ वाटर मार्क है यहाँ पर टाइप करना एंड यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे यहाँ पर टाइप करोगे यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आपका वीडियो सेव हो जाएगा एंड सेव होने के बाद गाइस इसको कर देना कट। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है एंड अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वायरल कंटेंट के लिए अपलोड करते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।